जो आज हम इस सारे होटलियर, सारी टूरिज्म फैसिलिटी सारे यहाँ जमा हो गए, उसमें हमारे मंत्री साहब सचिव शर्मा साहब भी आ गए, सबों ने यहाँ कंडम कर दिया। ये जो दो चार दिन पहले यहाँ हमारे TRC के सामने वो एक्सीडेंट हो गया जिसमें हमारे बच्चे उनको तकलीफ पहुँची, जख्मी हो गए, अस्पतालों में हैं, और इससे पहले भी बहुत सारे, चाहे उसमें जवान मर गए या कश्मीरी मर गए या हमारे पुलिस वाले मर गए, उसी के लिए आज जमा हो गए। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू कश्मीरीज। हमने बहुत मुसीबत देखी है, 30 साल से हम इस मसले से लड़ रहे हैं, और अल्लाह ने अब ठीक कर दिया। 1-2 सालों से ठीक चल रहा था। हमारी गुजारिश यही है, जो भी ये करता है यहाँ खामखा में ऐसा न करे ताकि यहाँ के लोग मर जाए, यहाँ का इकानमी ख़त्म हो जाए। ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं। सबसे पहले मैं ये कहना, यहाँ कश्मीर की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो टूरिज़्म है, जिसमें लाखों लोगों का काम कर रहे हैं, अपना रोटी रोजी कमा रहे हैं, वो हज़ारों में नहीं लाखों में है। मेहरबानी करके ये जो मसला ये करते, इट इज़ अनएक्सेप्टेबल टू कश्मीरीज, अनएक्सेप्टेबल टू एवरीबडी। वी वांट पीस ओनली, पीस में हमेशा चलना चाहे, दैट वी वांट। उसी सिलसिले में आज सब हम यहाँ आए थे, तो जिसमें एक मिनिस्टर साहब भी आए थे, उसने भी कंडम कर दिया, और हम सारे कंडम कर रहे हैं। तो ये मेरी गुजारिश है, मैं मंजूर साहब को भी कह रहा हूँ, ये भी जैसे हमारे मुश्ताक साहब ने भी फरमाया कि ये एक ऐसा हादसा हुआ जो रिसेंटली यहाँ TRC में हुआ, इसमें हर एक इंसान कंडम करेगा। मैंने अंदर भी यही कहा कि असल देखना है कि ये रूट काज क्या है और इसके सॉल्यूशंस क्या है। मैंने ये कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा यहाँ जो ड्रग्स है उसकी तरफ तवज्जो देना है। क्यों, मैं फिर एक बार कहता हूँ कि हज़रत इंसान ये ऐसा हरकत नहीं करेगा, और हम सब इसके कंडम करते हैं। यहाँ टूरिज़्म पर लाखों लोग काम करते हैं, जीते हैं, और इसमें हम हर एक टूरिज़्म फ्रेटर्निटी का हो या होटलियर से वाबस्ता हो, हम सब इसके लिए कंडम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हाँ, मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, जैसे पहले हमारे कायद जनाब चाया साहब ने बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में जो टूरिज़्म फैटनिकी की जो आवाज़ है हमारी, कंडेम कर रहे हैं इन इंसिडेंट्स को जो पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर वक्तन फ़ौक्तन होते रहते हैं, जिससे न सिर्फ हमारे जो पीस जो पिछले बहुत से सालों से अब माशाल्लाह यहाँ पर बहुत ही पीसफुल एटमोसफेयर रहा है, जो कोई भी इसके पीछे हैं और उनके क्या मकासद है इसके पीछे, हम एज अ सोसाइटी और एज अ इंडस्ट्री को बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में कंडेम करते हैं, और ऐसे इंसिडेंट हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं। वी आर एट द बैक एंड कॉल ऑफ द गवर्नमेंट, हमारी पूरी सपोर्ट है हमारी गवर्नमेंट को इन चीज़ों को करप्ट करने में, ताकि ये जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं ये आगे अपना सर उभार न सके। प्राइमरली सबसे पहले जो भी यहाँ पर ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं उसमें इंसानी जानों की तलाफी होती है, ज़ख्मी हो जाते हैं। वी आर द ह्यूमंस, हमारे दिल भी मजरूह हो जाते हैं इन खबरों को जब हम सुनते हैं। इसमें हमारे ही बच्चे होते हैं, चाहे वो कोई किस जगह से आते हैं, यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं, यहाँ के अपने हैं, तो इन इंसिडेंट्स को हम पूरे तरीके से एक वॉइस में कंडेम करते हैं, और गुजारिश है हमारी सिक्योरिटी एजेंसी को मुतहरक हो जाए, और भी ऐसे नापसंद जो हमारे अंसर हैं यहाँ पर, उनको कर्ब करने में जितना भी वो जल्दी कर सके, तो हमारी उनके साथ सपोर्ट रहेगा, हमारा भी उनके साथ। थैंक यू। मैं इसमें ऐड अप करना चाहता हूँ, ये खाली टूरिज़्म की बात नहीं, एक इनोसेंट लोग थे जो रोजी रोटी कमाने, संडे मार्केट में गरीब तबका है उस पर एक अटैक है, ये एक एक कश्मीरी पे अटैक है। वी शुड बी कंडेम्ड बाय ऑल एंड एवरीबडी ऑफ अस, और इस तह तक जाना चाहिए कि ये क्यों हो रहा और क्यों हो गया, ये वही हम गवर्नमेंट से चाहते हैं। रियाज साहब, मेरा एक सवाल है कि सरकार बनने के बाद इस तरह के इंसिडेंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, उसमें जो सीनियर पॉलिटिशियन यहाँ पर कश्मीर के उनके
नेशनल लीडर हम कहेंगे फारूक अब्दुल्ला ने काफ़ी ज़्यादा उंगलियाँ उठाई है, उन्होंने कहा है कि जो भी ये करता है उसको पकड़ने की ज़रूरत है, प्रोब होना चाहिए, उस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, वो तो हमारे सबसे बड़े लीडर है और ठीक बात, आज तक नहीं अभी तो कुछ दिन ही गवर्नमेंट को हो गए तो ये क्यों हो रहा है, वो बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्यों हो रहा है जब आज तक दो तीन सालों में नहीं हुआ, आज क्यों हो रहा है? चाय साहब मेरा आपसे सवाल है कि कोई कई साल पहले जो है टूरिज्म को डाइवर्ट करने के लिए कुछ एजेंसीज काम करती थी और मैक्सिमम कश्मीर के टूरिज्म को डाइवर्ट किया जाता था, चाहे वो शिमला या कुल्लू, उसमें कुछ एजेंसीज का भी हाथ था, जो बहुत साल पहले एक IG साहब ने भी स्टेटमेंट दी थी। आपको लगता है कि ऐसी कुछ सिचुएशन अब कश्मीर में भी बन रही है या कह सकते हैं कि सिक्योरिटी के लूप होल्स है? नहीं नहीं, वो तो हम नहीं कह सकेंगे, वो बात तो गलत है, हम क्यों कहें किसी का, हम तो ज़रूर ये कहेंगे जिसने भी ये किया है, जिस तरह मंजूर साहब ने किया है, वो इंसान नहीं है, वो बिल्कुल ही रिजेक्टेड है हमारे सामने, दरिंदा। और सर टूरिज्म में कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी भी टूरिस्ट है यहाँ पे, वो घूम रहे हैं गुलमर्ग पहलगाम सोनमर्ग, कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है टूरिज्म में, लेकिन हम ये मैसेज देना चाहते हैं टूरिज्म वालों को कि कश्मीर इज सेफ प्लेस, दे कैन ट्रैवल एनी टाइम एनी पॉइंट। अभी भी यहां पर सो मच ऑफ कैंसिलेशंस एज वेल, इज इट फैक्ट? लिटिल बिट ऑफ, नॉट सो मच, इट्स अ टेंपरेरी थिंग, इट विल बी ओवर। कैसे फ्रीली मूव कर रहे हैं, और हम अभी मैंने यही बात वहाँ मीटिंग में कहा कि वी आर द मोस्ट हॉस्पिटेबल पीपल इन द वर्ल्ड, जहाँ तक टूरिज्म का वाबस्ता है हमारे साथ। ये टेम्पररी जो कैंसिलेशन है, इट्स अ नी जर्क रिएक्शन टू द इंसिडेंट, इट विल पिक अप अगेन इन 4-5 इंशाल्लाह, इंशाल्लाह होना चाहे, पिक अप होना चाहे। अच्छा, कोई एदाद शुमार है कितनी जो कैंसिलेशन नेचुरली जो भी सुनेगा तो नेचुरली कोई रिस्क में तो जाना नहीं चाहता है ना, नो डाउट कैंसिलेशन हो गई है, मगर क्यों हो गई, वो 10 ही क्यों ना हुए, 100 क्यों ना हुआ, तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए।